Today's inspiration. Change is hard at first, messy in the middle and gorgeous at the end. परिवर्तन पहली बार में कठिन होता है, मध्य में अप्रिय होता है, लेकिन अंत में शानदार होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भोला प्रसाद और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल भोला फिटनेस। शुरू हो गई है और लोगों को ठंडा पानी पीने का शौक इस महीने में शुरू हो जाता है। गर्मी आते ही लोग अपने मन को संतुष्ट करने के लिए ठंडा पानी तो पीना शुरू कर देते हैं, लेकिन यही ठंडा पानी आपके मन को तो खुश कर देता है लेकिन तन को नुकसान पहुंचाता है। जी हाँ, फ्रिज का ठंडा पानी आपके लिए क्या क्या नुकसान देता है, इस बारे में इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को आप लाइक कीजिए। कुछ पूछना बताना तो आप मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी कर सकते हैं। ठंडा पानी पीने वाले लोगों के लिए सबसे जो नुकसानदायक ये है कि उनका पाचन बिगड़ने लगता है। जो लोग पीते नहीं है और एकदम से स्टार्ट करते हैं, उनके पाचन की समस्या धीरे धीरे बिगड़ने लग जाती है। और जो लोग लगातार पीते हैं ठंडा पानी, उनके नसें शरीर की सिकुड़ने लग जाती हैं, हार्ट की संबंधी समस्या होने लग जाती है और ब्लड प्रेशर की संबंधी समस्या शुरू हो जाती है। तो अगर इन समस्या से दूर रहना है तो आज ही फ्रिज का पानी, ठंडा पानी पीना बंद कर दें, सादा नॉर्मल पानी पीने की कोशिश करें ताकि आप स्वस्थ रहें। ठंडा पानी, बर्फ वाला पानी या फिर फ्रिज का पानी पीते हैं उनके लिए सरदर्द की समस्या को यह बढ़ा सकता है ठंडा पानी। जी हाँ, ठंडा पानी पीते ही आपके रीढ़ की हड्डियों में पहुंचकर वहां की नसों को सिकुड़ा देता है, उसके बाद आपके ब्रेन को संदेश देता है जिसकी वजह से आपकी सरदर्द की समस्या शुरू हो जाती है। और साइनस वाली जो समस्या जिनको भी है उन्हें भी ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए, उनके लिए भी नुकसानदायक होता है। ठंडा पानी हमारे दिल की समस्या को शुरू कर देता है। कहने का मतलब ये है कि हमारी जो वेगस तंत्रिका होती है उसे धीमा कर देता है, जिसकी वजह से हमारी जो हार्ट बीट है वो स्लो हो जाती है। तो दिल की बीमारी की समस्या बढ़ जाती है। पहले तो शुरू में पता नहीं चलता, लेकिन आगे जाके धीरे धीरे ये समस्या जब शुरू होती है तो फिर हार्ट की समस्या शुरू हो जाती है। तो ठंडा पानी आपके दिल को नुकसान पहुंचाता है, इसीलिए आप ठंडा पानी पीना बंद। ठंडा पानी पीने से हमारी आंतों की नसें सिकुड़ जाती है, जिसकी वजह से खाना पचने में समय लगता है, खाना पचने की समस्या शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा पेट साफ नहीं होता है। तो आप ठंडा पानी पीना बंद कर नॉर्मल पानी पिए ताकि आपका पेट साफ रहे तो आप भी स्वस्थ रहे। हमारे शरीर का तापमान 35 से 40 डिग्री सेल्सियस रहता है, लेकिन अगर हम ठंडा पानी पीने का सेवन करते हैं तो इससे हमारे शरीर में तापमान की गिरावट आ जाती है, जिसकी वजह से हमारे जो पेट में खाना होता है और पोषक तत्व होते हैं वो सड़ने लग जाता है। और जब वो सड़ने लग जाए तो धीरे धीरे कब्ज होने लग जाता है, और कब्ज शुरू हो गया तो फिर धीरे धीरे बवासीर की समस्या। पानी पीने से हमारी आंतों में जो सिकुड़न आती है, उस जो कोशिकाएं सिकुड़ जाती है, जिसकी वजह से हमारा मेटाबोलिज्म भी धीमा हो जाता है, तो समस्याएं पेट और दिल की शुरू हो जाती है। दूसरी बात यह है कि अगर हम खाना खाने के बाद पानी पीते हैं ठंडा, फ्रिज का या फिर बर्फ वाला, तो इससे भी हमारे शरीर को बहुत सारे नुकसान है। क्या होता है, जो हमारे फैट बर्न होने का जो प्रोसेस है वो भी धीमा हो जाता है। तो इतनी सारी समस्याएं हैं सिर्फ ठंडा पानी पीने की, इसीलिए आप सादा पानी, नॉर्मल पानी पिए ताकि आप स्वस्थ और फिट रह सकें और आपको बीमारियों का कोई परेशानी ना हो बिल्कुल भी। तो ये था वीडियो फ्रिज का ठंडा पानी पीने या बर्फ वाली पीने की समस्या के बारे में। इस वीडियो के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।